मूवी की शुरुआत में हम लोग एक एयर होस्टेस को देखेंगे। वो जब अपने प्लेन में ड्यूटी कर रही होती है तभी कुछ लोग उसे छेड़ते हैं। अपनी ड्यूटी के बाद वो एक होटल में रुकती है। इसके बाद जब वो सामने एक बार में जाती है तब वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं और कुछ देर बाद ऐना उसे अपने रूम में लेकर आती है और अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है। और इसके बाद अंदर क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक एयरोप्लेन से होती है। यहाँ बहुत सारे लोग सफर करते हुए अपनी सीट पे बैठे हुए थे। एयर होस्टेस यहाँ आती है और इन लोगों की हेल्प करती है। तभी हम लोग फिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एयर होस्टेस के पिछवाड़े को छूता है। एयर होस्टेस का नाम ऐना था। फिन उनसे कहता है मेरा हाथ गलती से आपको लग गया। इसके बाद ऐना मुस्कुराती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। ऐना को अच्छी तरह पता था फिन का हाथ गलती से नहीं लगा था लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। इस प्लेन के सारे मेंबर्स अपने काम में बिजी होते हैं। ऐना भी अपने काम में बिजी थी। फिन फिर से एयर होस्टेस को हाथ लगाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार ऐना इतनी तेजी से घूमती है कि ऐना के हाथ से टकराकर वो जख्मी हो जाता है। ऐना उसके पास आकर उससे माफी मांगती है और वो कहती है मुझे माफ करना मेरा हाथ गलती से लग गया था। ऐना के इस बिहेवियर को देखकर हम लोग ये जानते हैं ऐना बहुत ही तेज लड़की है और इसे अपना बदला लेना आता है। उसने जिस तरह फिन को सबक सिखाया ये देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। कुछ देर के बाद इनका सफर खत्म होता है और सारे क्रू मेंबर एक होटल में आते हैं। ऐना भी इसी होटल में पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पूरा एक दिन रहने वाली थी क्योंकि उसकी अगली फ्लाइट 24 घंटे बाद थी। होटल वालों से अपने कमरे की चाबी लेकर वो अपने कमरे में आती है क्योंकि वो पिछले 12 घंटे से काम कर रही थी इसलिए वो नहा धोकर आराम करती है। शाम को ऐना होटल का मेन्यू कार्ड देखती है लेकिन यहाँ उसे कुछ भी पसंद नहीं आता इसलिए वो अब बाहर जाना चाहती थी। इसके बाद वो तैयार होकर एक बार में पहुंच जाती है। बार में उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम जिमी था। ऐना को जिमी बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठते हैं और ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। जिमी उसे कहता है वो एक बिजनेसमैन है और वो पास के होटल में ही अकेला रुका है। जब वो होटल का नाम उसे बताता है तब ऐना उससे कहती है वो भी इसी होटल में रुकी है। ऐना को जिमी काफी समझदार लगता है इसलिए वो जिमी से बहुत सारी बातें करती है। काफी देर के बाद ऐना बहुत सारा ड्रिंक पीकर अपने कमरे में आती है। वो जैसे ही सोने की कोशिश करती है तभी उसे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ऐना अपने बेड से उठती है और वो दरवाजे के पास जाकर देखती है। तभी उसे दरवाजे के पार देखने पर जिमी दिखाई देता है। जिमी को यहाँ देखकर ऐना बहुत खुश होती है और वो दरवाजा खोल देती है। जिमी उसे कहता है मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के पास ही है, मेरा अकेले में मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसकी बातों को सुनकर पहले तो ऐना उसे जाने के लिए कहती है लेकिन कुछ सोचने के बाद वो जिमी को अंदर बुलाती है। इसके बाद हम लोग सुबह में देखते हैं ऐना जैसे ही नींद से जागती है वो अपने कपड़ों में खून देखकर बहुत हैरान होती है। वो देखती है बिस्तर में जिमी की लाश है। वो जिमी की हालत देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और उल्टी करने लगती है। ऐना को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था। वो याद करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कल रात बहुत नशे में थी इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ऐना नहाकर अपने कपड़े बदलती है। वो इस लाश के बारे में सोचने लगती है। जल्दी ही वो इस लाश को छुपाने का फैसला कर लेती है। वो इस लाश को बाथरूम में लाकर बाथरूम में छुपा देती है। वो जैसे ही इस बाथरूम से बाहर निकलती है तब उसकी नज़र बिस्तर की चादर पर पड़ती है। चादर पर अभी भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। ऐना उस चादर को छुपाती है। वो इस चादर को एक कोट कवर में छुपाने लगती है। होटल के कमरे में पहले से ही कुछ कवर होते हैं और ऐना उसी कवर में उस चादर को छुपाती है। वो जैसे ही इस कवर को अलमारी में रखती है तभी दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर सफाई करने वाली एक लड़की जिसका नाम रिचल था वो ऐना से गंदे कपड़े और कमरे की सफाई के बारे में पूछती है। ऐना उससे कहती है मेरे सभी कपड़े साफ हैं और मेरे कमरे को भी सफाई की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऐना अपने दरवाजे को बंद करती है। इसके बाद रेचल दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है। ऐना कमरे के अंदर से रेचल को देख रही होती है। रेचल जैसे ही दूसरे के कमरे के अंदर जाती है तभी ऐना बाहर निकलकर रेचल के सफाई की कुछ चीजें चुरा लेती है। कुछ ही देर बाद इस कमरे को साफ कर देती है लेकिन उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए। काफी सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है उसे लाश को छुपाने के लिए काफी सारा समय चाहिए। यही बात सोचकर वो अपनी एयरलाइन को फोन करती है और वो उनसे झूठ बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। ऐना ने यहाँ बहुत ही अच्छे से झूठ बोला था इसलिए उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद कुछ देर ऐना आराम करती है ताकि वो अच्छे से सोच सके। आराम करने के बाद जब वो उठती है तब उसका पैर एक चाबी पर पड़ता है। ये चाबी जिमी के कमरे की थी। रात में जब जिमी उसके कमरे में आया तब चाबी उसकी जेब में ही थी। कुछ देर बाद ऐना तैयार होकर बाहर निकलती है और वो यहाँ जिमी के कमरे की तरफ बढ़ती है। होटल वालों ने कमरे के बाहर कैमरे नहीं लगाए थे ताकि लोग यहाँ बिना फिक्र के आ सके। ऐना जल्दी ही जिमी के कमरे तक पहुँच जाती है। वो यहाँ जिमी के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि अगर जिमी कोई मुजरिम होता तब वो कोई कहानी बनाकर पुलिस से बच सकती थी। वो इस कमरे की तलाशी लेती है। यहाँ उसे जिमी का लाइसेंस मिलता है। जिमी ने ऐना को अपना नाम और अपना काम
गलत बताया था। जिमी का नाम कुछ और ही था और वो एक अच्छा लेखक था। जिमी का सच जानकर ऐना बहुत परेशान होती है। तभी अचानक उसे रात की बातें याद आती हैं। वो देखती है रात में जिमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के लिए ऐना ने उसे मार दिया था। वो जल्दी जल्दी जिमी का सारा सामान उठाकर एक बैग में डालती है ताकि होटल वालों को ऐसा लगे जिमी कहीं चला गया है। इसके बाद ऐना अपने कमरे में आती है और वो जिमी की सारी चीजों को खराब कर देती है ताकि पुलिस भी उसके बारे में कुछ ना जान सके। इसके बाद वो एक प्लान बनाती है, लेकिन इसके लिए उसे काफी सारा सामान चाहिए था। इसके बाद वो सामान को खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद केविन नाम का एक प्लम्बर यहाँ आता है और वो ऐना के कमरे को खोलता है। तभी ऐना भी यहाँ आ जाती है और वो जल्दी से यहाँ आकर केविन को रोकती है और वो उससे पूछती है तुम कौन हो। केविन उसे बताता है मैं होटल का प्लम्बर हूँ। वो कहता है नीचे वाले कमरे में गंदी बदबू आ रही है इसलिए मैं तुम्हारे बाथरूम को देखने के लिए आया हूँ। ऐना उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन केविन सीधा बाथरूम में घुस जाता है। ऐना जानती थी केविन की नजर जरूर लाश पर पड़ेगी जिसके बाद उसे भी मारना पड़ेगा। लेकिन इधर केविन जैसे ही टब की तरफ बढ़ता है तभी उसका फोन बजता है। ये फोन होटल के मैनेजर का था। वो केविन को बताता है बदबू ऊपर से आ रही है। मैनेजर की बातों को सुनकर केविन यहाँ से चला जाता है और वो ऐना के हाथों से मरने से बच जाता है। उसके जाने के बाद ऐना सामान को बाहर निकालती है जो कि वो बाहर से लेकर आई थी। कुछ ही देर बाद वो तैयार होती है और वो लाश के पास जाती है। इसके बाद वो लाश के टुकड़े करने लगती है। लाश के टुकड़े करने के बाद वो बाथरूम को पूरी तरह साफ करती है ताकि उसके पीछे कोई सबूत ना रहे। ऐना छोटे छोटे टुकड़ों को छोटे बैग में रख लेती है और बड़े टुकड़े को एक सूटकेस में डालती है। पूरा सबूत मिटाने और पैकिंग करने के बाद रात को वो आराम से सोती है। अगले दिन ऐना तैयार होती है। आज उसे दो काम करने थे। पहले तो उसे लाश को ठिकाने लगाना था और दूसरा काम अपने काम पर जाना था। जाने से पहले वो पूरे कमरे की जांच करती है कहीं कोई खून का निशान तो नहीं रह गया है। इसके बाद वो हर जगह से जिमी और अपने निशान खत्म करती है। जब वो पूरी तरह कंफर्म हो जाती है तब ऐना अपना छोटा बैग और बड़ा सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकलती है। ऐना यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही होती है और उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। उसे देखने वाले ये कभी नहीं सोच सकते थे कि इस खूबसूरत लड़की के पास अभी एक लाश है। इसके बाद वो कमरे की चाबी होटल वालों को देती है और वो जैसे ही बाहर आती है उसकी नजर एक बड़ी सी गाड़ी पर पड़ती है। ये गाड़ी सीनियर सिटीजन को छुट्टी पर लेकर जा रही थी। ऐना के टैक्सी को आने में अभी टाइम था। वो मौका देखकर छोटे बैग्स को कचरे में फेंक देती है। इसके बाद उसकी नजर एक बुजुर्ग जोड़े पर पड़ती है। वो उनके पास जाकर पूछती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लोग उसे बताते हैं तुम हमारा सामान गाड़ी में रखकर हमारी मदद कर सकती हो। इसके बाद ऐना उसकी मदद करने के लिए मौका देखकर अपना सूटकेस भी गाड़ी में रख देती है। अब ऐना के पास कुछ भी नहीं था तब उसकी टैक्सी भी आ जाती है। इधर रेचल कमरे की सफाई करने के लिए आती है तभी उसकी नजर कवर में रखे हुए चादर पर पड़ती है। इसके बाद वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ पर वो चिल्लाकर शोर मचाती है। इधर ऐना अपनी प्लेन में पहुंच चुकी थी और वो उस प्लेन को उड़ने का वेट कर रही थी तभी पुलिस प्लेन में पहुंच जाती है। ऐना अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही होती है तभी उसे याद आता है वो चादर कवर में ही भूल गई है। अपनी गलती को याद करके ऐना बहुत डर जाती है। तभी एक पुलिस वाला यहाँ आता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पुलिस ऐना को गिरफ्तार करने वाला था लेकिन ऐना मौका देखकर उसे भी जान से मार देती है। कहानी के आखिर में हम लोग ये देखते हैं पुलिस ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐना बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।